boom boom, tofu boom boom boom. Yes yes yes. तुम्हें पता है ये सब क्यों है? क्योंकि 12 दिन बाद भाई साहब ने वीडियो डाला है। भाई ये देखो क्या बात है, 41 मिनट्स हुआ और मैंने बोला कि इस बार तो मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा। तुम लोग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है पूरे रात में, ये रात को वीडियो डालते हैं और मुझे बोला जाता है कि अब भी क्या अभी डालो। तो ठीक है भाई, अभी देखेंगे, अभी इस पे रिएक्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने 8 दिन पहले ये फुल एपिसोड भी डाला है, इसमें इन लोगों ने नया नया क्लिप्स भी डाला है, इसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। लेकिन मैंने बोला कि भाई एक साथ ही देख लेंगे ना। यस, आज हम लोग ये और ये दोनों देखने वाले हैं और ये वीडियो तुम लोग आयुष मोड 2.0 चैनल पे देख रहे हो। यस, वैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पता है, मैं तुम लोग आज थोड़ा क्लियर और बता देता हूँ। मेरा ये पहला चैनल है आयुष मोड, जिसपे मैं माइनक्राफ्ट रोब्लॉक्स डाल रहा हूँ। आयुष मोड 2.0 पे भी मैं कुछ रैंडम गेम्स खेलूंगा, कुछ हॉरर गेम्स खेलूंगा, कुछ नए नए तरह के गेम्स जो तुम लोग को देखने चाहिए। भाई तुम लोग गेमर हो ना यार, हर तरह के गेम देखो, तो यहाँ पर वो भी होंगे, यहाँ पे जैसे स्किबिडी के रिएक्शन भी होंगे। वैसे मैं दोनों चैनल पर देखो कहीं पर भी डाल सकता हूँ, स्किबिडी मैं मोस्टली इन दोनों चैनल पे डालता हूँ, लेकिन स्पेशली अलग अलग चीजों के रिएक्शन, जैसे कि खासकर ट्राई नॉट टू लाफ या फिर कुछ जैसे रियल लाइफ वीडियोस हो गए। हालांकि हम लोगों ने रियल लाइफ वीडियो यहाँ पर ये देखी थी अपने सेकंड चैनल पे आयुष मोड 2.0 पे 2 हफ्ते पहले, तो मैंने सोचा कि इन सब वीडियोस के लिए जिसमें थोड़े मजेदार वीडियोस हो, मैंने अपना नया चैनल ही बना लिया। वैसे तुम लोग में से मेजॉरिटी लोगों को पता चल गया है, यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस देखो मैंने कितने सारे डाल दिए, अगर किसी को नहीं पता तो ये देखो। और दो लॉन्ग वीडियो भी हम लोगों ने ट्राई नॉट टू लाफ की करी है, जिसमें मैं मुंह में पानी भर के रखता हूँ और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग नहीं हंसेंगे और कॉम्पिटिशन तुम्हारा भाई जीतता है। तुम लोग देखना, ये वीडियोस बहुत बहुत फनी होती है, तुम लोग का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा अगर एग्जाम का स्ट्रेस है तो। नहीं है तो भी देखा यार, सब्सक्राइब फॉर लाफ मैंने लिख भी रखा है यार, ये वीडियोस भी देखना। लेकिन पहले हम लोग स्किबिडी पर चलते हैं। ये एपिसोड 70 का फुल एपिसोड खोल लिया, हम लोगों ने लाइक कर दिया है, तुम लोग भी लाइक कर दो, मेरे को बताना क्यों पड़ता है। चलो मुझे अच्छे से देखना है कि इसमें क्या नया सीन हमें देखने को मिला था। और 71 भी भाई आ ही गया है, उसे भी देखना है। यस भाई यहाँ पर फाइट है। ओ हाँ, अच्छा इसमें तो हम लोगों ने फाइनल फाइट भी देख लिया था ना, मल्टीवर्स भी तो हम लोग देख रहे हैं स्किबिडी का, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर स्टोरी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए रीकैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम लोग एक एक चीज़ देखें। यस, तो ये साइंटिस्ट का जो है मेन लेबोरेटरी, उसके बाहर में अभी फाइट चल रही है। हम लोग अभी लार्ज कैमरामैन के POV से देख रहे हैं और वो देखो लैब में से इतने बड़े बड़े शील्ड लेके स्किबिडी आ रहे हैं और लार्ज कैमरामैन के पास एक बहुत ही गजब का लेजर गन, जिससे वो सबकी खटिया खड़ी कर रहा है। इट्स नाइस टू सी। या और ओ ये देखो शील्ड देखो इसका, भाई इसने आधी शील्ड लगा रखी है तो भी लार्ज कैमरामैन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी हेलमेट भी बड़ी सॉलिड है। और ये देखो खतरनाक स्माइल, और इसकी स्माइल हो गई गायब, क्योंकि हमारे टाइटन्स आ गए हैं। ये देखो टाइटन कैमरामैन इज OP, कमेंट में ये हो जाना चाहिए क्योंकि टाइटन कैमरामैन मेरा फेवरेट है। ये देखो अभी भाई भून देगा इसको, ये देखो क्या बात है, भुट्टे की तरह भून दिया, बहुत बढ़िया, वाह। और अभी कौन आएगा भुनने के लिए, और ये देखो जी मैन का क्लोन जैसा टाइप, मतलब उसका लेजर लेके आया। और अपना टीवी मैन इस बार बोला कि मैं भी तो हूँ यार, मैं क्यों पीछे रहेगा। और अपना स्पीकर मैन भी बाय बाय बाय। अरे हाँ, अल्टीमेट पावर देखने को मिलेगी अभी हमें यहाँ पे। ये भाई साहब क्या बोले, तुम लोग बताना, देखो अब तो तुम लोग को पता चल गया होगा, किसी ने रिवर्स करके देखा होगा तो मेरे को बताना टाइटन टीवी मैन ने यहाँ पे क्या बोला था, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हमें भी स्पीकर मैन का OP पावर देखने को मिलेगा, क्योंकि टीवी मैन ने उसे पावर्स दी हैं अपनी। यही टीवी मैन का ये वाला पावर मेरे को अच्छा लगा, जिसमें वो सबको अपना पावर ट्रांसफर कर सकता है, ये काफी हैंडी है, ये चीज काफी अच्छा रहेगा फ्यूचर में। और ये देखो भाई क्या बात है, टीवी मैन के थोड़े से पावर से स्पीकर मैन में इतनी पावर आ गई। और ये देखो ये शॉट, ये सबसे जबरदस्त, ओ माय गॉड, ले ये पोज है ना, ये देख दिखाया मैंने देखा। और ये इसने आई थिंक गुड जॉब बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, बताना। और ये वो
और ये तो डीजे है, इसके पीछे आएगा ना एस्ट्रो, है ना उसका नाम शायद, एस्ट्रो आएगा। तोड़ दे तोड़, ये रहा एस्ट्रो टॉयलेट। अब ये अपना नया विलन है। यस यस यस, मुझे याद है साइंटिस्ट के ओ जाने के बाद में हमें यही बताया गया था। टीवी मैन उल्टा बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये भाई साहब अभी सीधा बोलेगा। यू ऑल विल डाई। ओ ओ, टीवी मैन का टेलीपोर्टेशन देख लिया और इसने सीधा टीवी मैन के मुंह पे उसका हाथ फेंका भाई। ओ तो टीवी मैन ने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया और अभी हमारी लेडीज टीम आ गई है यहाँ पे। लेट्स गो। टीवी वुमन हमेशा खुश रहती है यार, लेकिन मैं क्लॉक वुमन को, मैं उसी के लिए हूँ लॉयल। चलो यहाँ पर हमारे अंदर में, अरे हाँ पांच बंदे थे ना। यस 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 यस, अंदर की फाइट भी बड़ी सॉलिड चल रही थी। लाइट चली गई, ऊपर से कोई एंट्री मारेगा आई गेस। आप या, 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 या। आ गया ऊपर से एंट्री मारने के लिए। हमारा ट्रूप, लेकिन इसके ऊपर लगा होगा बॉम्ब। ये देखो रॉबर्ट्स की बीडी ने बॉम्ब लगा के छोड़ा और एक ग्रीन गैस निकला, क्योंकि ये गैस लेके घूमता है रॉबर्ट्स की बीडी। और ये मरा, लेकिन अब हम लोग कितने लोग हैं, पहले पांच थे अब चार ही बचे हैं। और हम लोगों ने गन उठा ली। ओ स्पीकर मैन ऊपर लेके गया, लेकिन हम लोग नहीं चढ़ेंगे क्योंकि माइकल जैक्सन की बीड़ी जब आया था तब भाई साहब ने गेट बंद कर दिया था स्पीकर मैन ने, और उसकी वजह से हमारे एक दो ट्रूप मर गए थे। तो ये इसका हाथ नहीं लेगा क्योंकि हम लोग गुस्सा है उससे। आई थिंक हम लोग ग्लिच प्लंजर मैन के पीओवी से देख रहे हैं ना, मेरे को जहाँ तक याद है, तुम लोग बताना अभी। हाँ ये ग्लिच प्लंजर मैन ही है, देखो हाथ में प्लंजर है, ऑब्वियसली मैंने सही बोला था। अभी लाइट गई भी है, अभी हम लोग सिर्फ चार लोग हैं। धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश, नाइट विजन ऑन कर लिया हम लोगों ने। और अरे यार लाइट, मतलब अचानक लाइट कैसे ऑन हुई, किसी ने तो धोखा दिया होगा तभी ऑन हुई है, नहीं तो ऐसे कैसे ऑन हो गई भाई। और यहाँ पर हमारे पास वो सीक्रेट एजेंट का दिया हुआ रिमोट है जिससे हम लोग गेट खोल लेते हैं। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग चार में से सिर्फ दो लोगों के पास ही गन है भाई। और यहाँ पर हमें वो पता चलता है कि ये देखो ये गवर्नमेंट का लेटर है, और ये एस्ट्रो टॉयलेट और साइंटिस्ट मिलके, ये देखो यहीं पे हमें पता चल गया था कि इन दोनों ने मिलके ये पूरा षड्यंत्र रचा है भाई। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इनका साथ दिया है ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में। और ये देखो टीवी के ऊपर रिसर्च हो रहा है यहाँ पे, ये लोग का टीवी मेन टारगेट है लगता है। ओ और ये देखो, अच्छा ये लोग टीवी बनाना चाहते हैं, हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, वैसा कुछ है। और स्पीकर मैन ने बचा लिया क्योंकि स्पीकर मैन के पास लेंस तो है नहीं, और हम लोग को लेंस कवर पहनना पड़ा अपना। ओरे भाई ओ, दो लोग और मर गए, पहले पांच में से चार हुए। क्या मारा है, अब चार में से सिर्फ हम लोग दो बचे हैं, ग्लिच प्लंजर मैन और स्पीकर मैन, इसको हम लोग रेड स्पीकर मैन बोलेंगे। और हम लोग रिमोट उठा रहे हैं सीक्रेट एजेंट का। ओ भाई, और यहाँ पर कटाना मिल गया हमें, हेडफोन मिल गया हमें, और जेट पैक मिल गया हमें। लेट्स गो। ये हम लोगों ने गेट खोला और आई थिंक अब हम लोग सीधा साइंटिस्ट के अड्डे पे जाएंगे, मतलब जो उसका मेन रूम है वहाँ पे। अच्छा वो गेट ठोक रहा है, हम लोग जेट पैक से उड़े। और यहाँ पर
सामने वो रहा साइंटिस्ट का रूम, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एक सेकंड पॉज करके देखते हैं। अभी तक कुछ नया सीन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन ये क्या लिखा है, धुंधला हो गया, दिख नहीं रहा, लॉकडाउन लिखा है ये तो, ऊपर में क्या लिखा है, कंटेमिनेटेड लिखा है क्या, मेरे को तो यही लग रहा है, ऑनटेनमेंट दिख रहा है मेरे को तो, तुम लोगों को क्या दिख रहा है तुम लोग बताना, ऑनटेनमेंट लॉकडाउन या तो कंटेनमेंट ही होगा फिर, ऑनटेनमेंट क्या होता है, और हम लोग इनविजिबल हो गए, वो पीछे में वो रहा सीक्रेट एजेंट, यू कैन नॉट एस्केप और दे विल ऑल किल यू, ऐसा कुछ बोला। अच्छा ओ साइंटिस्ट, अच्छा सीक्रेट एजेंट मतलब दफू बूम सीधा साइंटिस्ट को शायद धमकी दे रहा था कि तुम भाग नहीं सकते अब। ओ भाई 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 भाई, अब साइंटिस्ट से मेन फाइट होगी भाई। ये रहा, हम लोग रिमोट से सब कुछ हैक कर रहे हैं भाई। ग्लिच प्लंजर मैन को दो बार लग गया है लेजर का। ओ अब साइंटिस्ट एकदम प्रॉब्लम में आ गए, ये टेलीपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग टेलीपोर्टेशन भी रोक दिए, ये रिमोट कितना ओपी है। अरे और अपना स्पीकर मैन, भाई स्पीकर मैन के भाई तोड़ दिया भाई। अरे फिर भी अपनी आधी बॉडी लेके मार रहा है यार। इसमें एक्स्ट्रा सीन्स तो शायद ऐड नहीं हुए हैं अभी तक तो। और अरे यार ये फाइट जब भी देखो मतलब एपिक लगता है ना। और ये आ गया लास्ट टीम मेरा। अच्छा हाँ, बाहर से जो ट्रूप्स थे वो लोग अंदर आ गए, और ये एक अलग पावर है इसके पास ब्लैक की। ओह माय गॉड, ये अंदर जाने की कोशिश, यहाँ पे अंदर में इसकी बीडी के अंदर बैठ के आएगा ये। ये लोग पीछे जाओ, और ये देखो भाई 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 भाई, और पीछे से आ गए अपनी वुमेन्स टीम। और ये अच्छा जिसके पीओवी से हम लोग देख रहे थे, लार्ज स्पीकर लार्ज कैमरामैन, वो भी आ गया, और वो अपने लेजर से खूब ठोक रहा है साइंटिस्ट को। और कोई एक जन और आया, कौन था वो दिखा नहीं, और ये उसको देख के स्माइल किया। ओ भाई ये क्या, अच्छा तो टीवी वुमन ने अंदर में उसको मारा है साइंटिस्ट को भाई, क्या बात है। ये देखो अपनी स्पीकर वुमन क्या काट रही है रे। और ये देखो ऊपर में अभी सरप्राइज, आई एम हियर फॉर यू, अब इसको धोएंगे, क्या बात है। ये ले भाई तू भी धो भाई, ओहो ये ले भाई अब तू भी धो दे भाई, क्या बात है। ओ ये अभी ओ कान फाड़ दिया रे भाई, ओ ओ अब दिमाग भी फाड़ दिया पूरा गुस्सा निकाल रहे। लेकिन ये इससे भी बुरी मौत डिजर्व करता है यार। हम लोगों ने अभी एक दुश्मन को मिटाया, दूसरा दुश्मन के बारे में अभी हमें यहाँ बताया जाएगा, जिसका अभी हम लोगों ने पेपर में देखा ही था साइंटिस्ट के साथ, वो दूसरा कौन था उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर ये इमोशनल सीन, फाइनली ग्लिच प्लंजर मैन ने स्पीकर मैन को माफ कर दिया, लेकिन बहुत उदास है वो भाई। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है यार यहाँ पे। और ये रहा स्पीकर मैन के लिए RIP लिखना तुम लोग। लेकिन यहाँ पर ये देखो हमें सीक्रेट एजेंट है क्या यहाँ पे, कौन हाथ मिला रहा है लो। अच्छा जिनके पास भी ग्रीन लाइट होता है वो सीक्रेट एजेंट का मतलब मैसेज दे रहे होते हैं। यहाँ पर अपना बंदा, थैंक्स टू यू दैट साइंटिस्ट इज कुक्ड, ये हम लोग को बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से साइंटिस्ट मर गया, लेकिन बिगर थ्रेट ये एस्ट्रो टॉयलेट
अभी भी जिंदा है, इसीलिए इसलिए हम लोग को छुप के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं बचा एक्सेप्ट एक थिंग के, ये बैटल तुम सरवाइव नहीं कर पाए हो कि ग्लिच प्लंजर मैन, मतलब इसने पहले ही बोल दिया कि ग्लिच प्लंजर मैन यहाँ मरेगा, मतलब हम लोग जो पीओवी हम लोग देख रहे हैं हम लोग मरने वाले हैं। स्पीकर मैन के साथ हमारी भी डेथ हो गई। स्पीकर वुमन पसंद करती थी यार ग्लिच को। टाइटन कैमरामैन को गुड बाय बोलते हुए यहाँ पर कैमरा हो गया ऑफलाइन, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सीन है। ओ है कुछ एक्स्ट्रा सीन है, ये देखो यहाँ पर है ये रहा एक्स्ट्रा सीन। ओ बाकी लोग सब ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तुम लोग भी ट्रिब्यूट देना यार कमेंट सेक्शन में। ये एक एक्स्ट्रा सीन यहाँ पे ऐड किया गया है। अब एपिसोड 71 पूरा 59 मिनट्स हो गया है, लेकिन एपिसोड 70 काफी मतलब इमोशनल भी था, काफी मजेदार भी था, सब कुछ मिक्स था। लेकिन अब 71 जो 2.5 मिनट्स का है, लाइक करना ही है भाई, हर वीडियो को लाइक करना है। अभी हम लोग देखते हैं, लेट्स गो। सब्सक्राइब तो किया हुआ होगा ना, कर लेना नहीं तो। यहाँ पर कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। अच्छा जब हम लोग अंदर चले गए तो हमें बाहर की फाइट दिखाई जा रही है एपिसोड 71 में, जब टीवी मैन एस्ट्रो टॉयलेट से फाइट कर रहा है। अच्छा वो लोग जब ऊपर में आए ना साइंटिस्ट को हाय बोलने के लिए, वो नहीं एस्ट्रो नहीं है ये, वो नहीं एस्ट्रो नहीं है, मेरे को लगा एस्ट्रो है। यहाँ पर ये लोग ओ भाई ओ अल ये क्या हो, कोई नया आ रहा है, कोई नया बंदा आया है, हेलीकॉप्टर आ गया। नहीं 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 नहीं, किसी भी नई बंदी की एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे। अभी रेस्क्यू टीम आई है जो हमारे ट्रूप्स को रेस्क्यू करके ले जाएंगे। ये बोल रहे यहाँ पर रुको भाई, कुछ गड़बड़ तो हो रही है यार, मेरे को फील हो रही है कब से, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। ओ देखा मैं बोल ही रहा था, ये देखो पूरा का पूरा कंटेनर उठा के ले गया वो। और ओ माय गॉड, मैं बोला था कि कुछ तो आएगा, ये देखो भाई जी मैन मरा ही नहीं है यार। अब ये भी वो जी मैन क्लोन ही है या फिर वो मॉन्स्टर में जैसे साइंटिस्ट उसमें बैठ गया था अपने पुतले में, वैसा ही है कुछ। और ये देखो भाई ह्यूमन फॉर्म लेके बैठा है जो, अरे बाप रे बाप। क्या ही चल रहा है यार, अभी तो एस्ट्रो टॉयलेट से, ओ ये रहा ये रहा ये रहा अपना विलन, ये मेन विलन है। ओहो अब जी मैन एस्ट्रो टॉयलेट के साथ काम करेगा। इस एपिसोड में हमें काफी हिंट दे दिया कि आगे की स्टोरी कैसे होने वाली है, बहुत मजा आ रहा है। तुम लोगों को और मजा लेना है तो तुम लोग ट्राई नॉट टू लाफ की वीडियोस देख सकते हो, और माइनक्राफ्ट वीडियोस भी है वो भी देख सकते हो। माइनक्राफ्ट वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाली थी, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो फटाफट से यहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियोस देख लेना। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं। टिल देन बाय बाय, क्लिक करो यहाँ।